बाजार बंद होने के बाद कौन सी खबरें थी जो कि फोकस में रही अपार्ट फ्रॉम त्रिमूर्ति सेगमेंट? गुड मॉर्निंग मानसी। शुरुआत बाजार के बंद होने के बाद जो नतीजे आए हैं उसकी कर लेते हैं। डेल्टा कॉर्प ने अपने नंबर्स घोषित किए। नंबर्स कमज़ोर थे, आय में मामूली 3% की बढ़त हुई। कामकाजी मुनाफे में दबाव दिखा, 37.5% से बढ़कर 31% के मार्जिन के फिगर्स आए हैं। मुनाफे में 16% की गिरावट देखी गई, लेकिन मैनेजमेंट की जो कॉमेंट्री थी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। आउटलुक काफ़ी अच्छा था उनका वित्त वर्ष 2023 के लिए। इकॉनमी फिर से जिस तरह से रीओपन करने की बात की जा रही है, उनका मानना है कि अब बिजनेस में धीरे धीरे रिकवरी दिखना शुरू होगी। तो कमेंट्री तो अच्छी थी लेकिन नतीजे कमजोर दिखाई दे रहे हैं। कुछ और कंपनी पर खबरों पर नजर डालें तो मदरसन सुबी फोकस में रह सकता है। कंपनी इटालियन ऑटो कंपोनेंट मेकर मैरली को खरीदने की योजना बना रही है केकेआर के साथ मिलकर, और अगर ये अधिग्रहण पूरा हो जाता है तो दुनिया के टॉप 10 ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स में कंपनी का नाम शामिल होगा। और ये जो कुल डील है ये करीब मई अंत तक या जून की शुरुआत तक होते हुए दिखाई देगी। करीब $11 बिलियन इस कंपनी की आय है, जो इटालियन कंपनी है उसकी आय है, और ये जो डील है ये मई अंत तक पूरी होते हुए दिखाई देगी। तो आज मदरसन सुमी पर भी नजर रखिए। इसके अलावा HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड मर्जर की खबर आई थी, उस पर प्रेजेंटेशन भी कंपनी ने जारी की है, जिसमें उनका कहना है कि मॉर्टगेज जो कारोबार है उससे काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। उनके प्रॉफिटेबिलिटी में एक अच्छी बढ़त भी देखने की अनुमान की जा रही है इस मर्जर के बाद में, और क्योंकि बैंकिंग मॉडल है तो उसमें भी मॉर्टगेज जो कारोबार है वो काफ़ी अच्छी तरीके से प्ले करेगा, और इससे जो इनके कॉस्ट ऑफ फंड है वहाँ पर भी कमी देखने को मिलेगी। तो आज ये जो दो कमेंट्स आए हैं इन पर भी नज़र रखिए। इसके अलावा JSW स्टील भी फोकस में रहेगा। कंपनी को अपने ओडिशा के स्टील प्लांट के लिए पर्यावरण मंजूरी मिल गई है। कंपनी का जो कुल कैपेक्स की योजना थी वो करीब 65,000 करोड़ की योजना थी इस प्रोजेक्ट पर, तो मंजूरी मिल चुकी है। JSW एनर्जी पर भी नज़र रखिए। कंपनी बामर लिग्नाइट माइनिंग कंपनी जो कि JV है JSW एनर्जी की राजस्थान में, उस JV से कंपनी को नोटिस मिला है। कंपनी को अगले 15 दिनों में अपने 2 माइंस पर ऑपरेशन बंद करना पड़ेगा। ये राजस्थान सरकार की तरफ से इस तरह का ऑर्डर्स दिए गए हैं, और इस JV के जरिए JSW एनर्जी को भी लिग्नाइट सप्लाई होती थी। इनका 180 मेगावाट का पावर प्लांट था, लेकिन राजस्थान गवर्नमेंट का कहना है कि सप्लाई में यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी JSW एनर्जी को, ये एक अपडेट। इसके अलावा विप्रो पर भी नजर रखिए। कन्वर्जेंस एक्सेलरेशन सॉल्यूशंस को कंपनी ने एक्वायर किया है। $80 मिलियन में ये डील हुई है, और इसके बाद जो कंसल्टेंसी सेगमेंट है वो कारोबार है उसमें कंपनी अपना विस्तार करते हुए दिखाई देगी। और आखिर में बात करते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट की। यहाँ पर भी नजर रखिए। कर्नाटका सरकार ने दिगाव लाइमस्टोन ब्लॉक के लिए बोलियां मंगवाई थी, जिसमें कि अल्ट्राटेक सीमेंट एक प्रेफर्ड बिडर के तौर पर सामने आ रहा है। तो आज ये स्टॉक भी फोकस में रहेगा। ये सारी खबरें हमें बताने के लिए, तो ढेर सारी खबरें हैं जो कि आज बाजार को इम्पैक्ट करते हुए दिखेंगी, इन स्टॉक्स पर जरूर नजर रखेगा। लेकिन राहुल, हाय, गुड मॉर्निंग, कमिंग बैक टू यू। अदानी ग्रुप स्टॉक्स जो कि लगातार परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे फिर मिड कैप से अदानी टोटल गैस हो या अदानी ग्रुप से जुड़े 6 से 7 जो भी इम्पोर्टेंट स्टॉक्स हैं उनमें अच्छी तेजी के बीच ही कामकाज हमने अप ट्रेंड लगातार देखे हैं। एक तो अदानी ग्रुप पर अपनी राय दीजिए और साथ ही अपने पिक्स भी हमें बताएं। आई थिंक जिस तरह से हमने देखा अदानी ग्रुप 1 में चले और आउट परफॉर्मर रहे हैं लास्ट 1 साल के अंदर, और मेरे ख्याल से जिसने भी परचेज नहीं किए या कि पार्टिसिपेट नहीं किए रैली में, तो लॉट ऑफ मिस आउट फीलिंग भी है। हालांकि वी डोंट कवर इट एनी ऑफ द अदानी ग्रुप, पर जिस तरह से लग रहा है ये पूरा एक मोमेंटम प्ले लग रहा है, जिस तरह से सेटअप देखने को मिल रहा है। तो आई थिंक नॉन निफ्टी स्टॉक्स मोस्ट ऑफ देम और इनकी मार्केट कैप देखे तो आउट परफॉर्म कर कंटिन्यूसली अपमूव की ओर देखने को मिला है। तो मेरे ख्याल से अदानी पॉर्ट में एक एज बिकॉज ऑफ बीइंग द निफ्टी यूनिवर्स, आई थिंक अदानी पॉर्ट में एक बार लॉन्ग किया जा सकता है। अदानी एंटरप्राइज जिस तरह से हमने पूरे अदानी ग्रुप में अंदर मोमेंटम देखा है, तो ये दो स्टॉक्स में मेरे ख्याल से अभी भी पार्टिसिपेशन किया जा सकता है यहाँ से, पर प्योरली मोमेंटम प्ले रहेगा, उसमें फंडामेंटल कोई राय है नहीं इसके अंदर। कमिंग बैक टू स्टॉक स्पेसिफिक, आई थिंक मुझे लग रहा है कि जिस तरह से हमने कल सीमेंट स्टॉक्स के अंदर मोमेंटम बिल्टअप देखने को मिला है, तो आई थिंक सीमेंट स्टॉक्स के अंदर अभी भी मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। लास्ट क्वार्टर में हमने देखा है कि पेटकॉक के प्राइस के वजह से हमने काफ़ी सारे सेल ऑफ भी देखने को मिला है, तो मेरे ख्याल से नाउ द प्राइसेस हैव स्टेबलाइज्ड, तो एक बेनिफिशियरी रहेगा। सेकेंड, गवर्नमेंट के जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऑर्डर के हिसाब से भी आई थिंक सीमेंट का यूजेज ज़्यादा होगा, तो मार्केट यूजुअली डिस्काउंट कर देता है पहले। तो आई थिंक यही एक राय था कि हमने लास्ट 2-3 दिन से
सीमेंट स्टॉक्स के अंदर एक्शन देखने को मिला है, तो आई थिंक लार्ज कैप तो ऑब्वियसली हैज डन क्वाइट वेल। मिड कैप के अंदर मुझे लगता है दालमिया भारत और बिरला कॉर्प में एक्शन हो सकता है। सेकेंडली आई थिंक बैंकिंग क्षेत्र के अंदर बहुत ही अच्छा तेजी लग रहा है, जिस तरह से मैं स्टार्टिंग में ही बता रहा था कि मुझे लग रहा है कि ये एक सेक्टर है जो काफ़ी अंडर परफॉर्मेंस है इन टर्म्स विद द निफ्टी आप देखें तो मेरे ख्याल से लॉट ऑफ टू कैच अप और यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक वी गोइंग टू सी द बेस्ट पार्ट ऑफ इट। तो मुझे लग रहा है HDFC बैंक में बहुत ही अच्छा तेजी हो सकता है यहाँ से, और ऑब्वियसली PSU पैक होलसेल बैंकर SBI के अंदर अब भी मुझे लग रहा है कि यहाँ से वी हैव सीन द जिस तरह से हमने देखा है कि NPA का पिक आउट हो चुका है, लग रहा है लास्ट 3 से 4 सालों से अंदर मेरे ख्याल से ऐसी कोई बड़ी नेगेटिव न्यूज़ नहीं है बैंकिंग क्षेत्र के, एटलीस्ट PSU पैक के अंदर। तो आई फील कि ये SBI और HDFC बैंक यहाँ वैल्यूएशन वाइज भी काफ़ी अच्छे अट्रैक्टिव लग रहा है, तो ये दो शेयरों में कामकाज किया जा सकता है।